हाय फ्रेंड्स, आज मैं आलू के ब्रेड पकौड़े बनाने जा रही हूँ। इसलिए मैंने आलू बॉयल करके ले लिया है। ये मैंने ब्रेड ले लिया है और ये मैंने बेसन ले लिया है। अब मैं आलूओं को मैश कर लूँगी। आप चाहे तो मिक्सी में मैश कर सकते हो, चाहे तो आप कटोरी से मैश कर लीजिए। चलिए मैं मैश करके दिखाती हूँ आपको। आलूओं को मैंने मैश कर लिया है। अब इसमें मैं प्याज डाल दूँगी, हरी धनिया डाल देंगे, धनिया पाउडर भी डाल देंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप चाहे तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। सबको अच्छी तरह से मैश कर देंगे। आलू को मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया। ये मेरे पास ब्रेड है, ब्रेड के मैं आधी स्लाइस कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से आप लोग भी कर लीजिए। तो सिर्फ ऐसे ही करना है। देखिए, ब्रेड पकौड़ों को मैंने सारा बना के तैयार कर लिया है। आप भी ऐसे फिल कर लीजिए। ये देखिए, सारे बनके तैयार हो गए। इसमें लगा के एक और लगाना है। सारे तैयार हो गए। अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं। ये मैंने बेसन ले लिया है। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे। पानी की सहायता से इसको हम घोल तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे। थोड़ा सा पानी और डालेंगे इसमें। घुल मिला बनके तैयार हो गया। अब उसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे, फिर अपने ब्रेड पकौड़े की तैयारी करेंगे। गैस पे कढ़ाई रख दी, उस पर तेल रख दिया। तेल भी ना गर्म हो गया है। अब सारे ब्रेड को लेके हम इसमें पहले डिप करेंगे। इसके बाद एक एक ब्रेड को हम तेल में डालेंगे। दूसरी ब्रेड को भी ऐसे ही डालेंगे। ब्रेड पकौड़ों को मैंने पलट ब्रेड पकौड़ों को मैंने दूसरे साइड भी पलट देंगी। अच्छी तरह से सिक जाए। ऐसे ही सारी ब्रेड पकौड़े बना के तैयार कर लेंगे। ब्रेड पकौड़े मेरे बनके तैयार हो गए। अब इनको निकाल लेंगे प्लेट में। दूसरे वाले फिर हम ऐसे डालेंगे, मिक्सी में डिप करेंगे। दूसरा भी ऐसे ही डालेंगे। ब्रेड पकौड़ा फ्रेंड्स बनके तैयार हो गए। तो चटनी या केचप के साथ सर्व कीजिए। और जितने फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब बेल आइकन को शेयर करना ना भूलिए, जिससे आगे आने वाली कोई भी रेसिपी आपको सबसे पहले मिल सके।